हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एस्क एनीथिंग। आज के वीडियो में मैं ए डिजाइन लेके आई हूँ। ए डिजाइन 6 रोज का डिजाइन है, वही 6 रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। बहुत ही इजी डिजाइन है ये। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 5 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और +2 एक्स्ट्रा स्टिच +2 एज स्टिच करना होगा। मल्टीपल ऑफ 5 +2 +2। इसमें मैंने 5 का मल्टीपल करके 15 +2 +2 कर लिया है, टोटल 19 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा उल्टा 1 2, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 2 फंदा उल्टा 1 2 3 फंदा सीधा 1 2 3, 2 फंदा उल्टा 3 फंदा सीधा आपको रिपीट करना है बार बार। धागा आगे, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। 2 फंदा उल्टा 1 2, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा 1 2 3, धागा आगे, फिर से रिपीट करना है एक बार। 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक आपको 3 डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा, धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, लास्ट का एज स्टिच सीधा। सेकेंड रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। देखिए, एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा सीधा 1 2, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 2 फंदा सीधा 1 2 3 फंदा उल्टा 1 2 3, 2 फंदा सीधा 3 फंदा उल्टा आपको रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है, धागा पीछे, इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करना है। 2 फंदा सीधा 1 2, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा 1 2 3। फिर से एक बार रिपीट करना है। 2 फंदा सीधा 1 2, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा 1 2 3। यहाँ से यहाँ तक 3 डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपके 3 फंदा को धागा पीछे, 2 फंदा को सीधा बुनिए एज स्टिच को उल्टा। थर्ड रो 1 की तरह बुनना है। थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा आगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा उल्टा 1 2, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको। यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 2 फंदा उल्टा 1 2 3 फंदा सीधा 1 2 3, 2 फंदा उल्टा 3 फंदा सीधा आपको रिपीट करना है। धागा आगे, फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को। 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा 1 2 3। दो डिजाइन ख़त्म हुए। फिर से एक बार रिपीट करना है। 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा 1 2 3। लास्ट में आपको 3 फंदा को 2 फंदा को उल्टा बुनिए एज स्टिच को सीधा, एज स्टिच सीधा। फोर्थ रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। फोर्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे। यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। 2 फंदा सीधा 1 2, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको। रिपीट करना है 2 फंदा सीधा 3 फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है आपको। 2 फंदा सीधा 3 फंदा उल्टा 1 2 3। फिर से एक बार रिपीट करना है। 2 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा 1 2 3।
यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपके तीन फंदा बचेगा, इसको क्या करना है, दो फंदों को सीधा बुनिए, एज स्टिच को उल्टा। फिफ्थ रो एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे। थर्ड स्टिच को आपको इस तरह से, ये थर्ड स्टिच को आगे के दो फंद को ऊपर से इस तरह से पास ओवर कर देना है, इस तरह से ऐसे। अब इस दो फंदों को, एक फंदा को सीधा बीच में जारी डालेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा। अब ये रिपीट करना है आपको एज स्टिच को छोड़कर, यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको इन्हीं पांच फंदों को बार बार रिपीट करना है, एक दो तीन चार पाँच, आपको इन्हीं पांच फंदों को बार बार रिपीट करना है। फिर से रिपीट करना है आपको इन्हीं फंदों को, धागा आगे, फिर से दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस थर्ड स्टिच को आपको, इस थर्ड स्टिच को आगे के दो फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देना है, इस फंदे को ऐसे। अब इस एक फंदा को सीधा बुनिए, बीच में जाली डालेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा। दो डिजाइन ख़त्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब इस थर्ड स्टिच को, दो फंदों के पीछे के थर्ड स्टिच को आपको इस तरह से दो फंदों के ऊपर से इस तरह से गिरा देना है। अब एक फंदा को सीधा बुनिए, बीच में जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा। यहाँ से यहाँ तक आपको तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा आगे, इसको दो फंदा को उल्टा, एज स्टिच को सीधा। सिक्स रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। सिक्स रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, रिपीट करना है दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है आपको, धागा पीछे, दो फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर से एक बार रिपीट करना है, दो फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। यहाँ से यहाँ तक आपको तीन डिजाइन ख़त्म हुए। लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा, धागा पीछे, दो फंदा को सीधा बुनिए, एज स्टिच को उल्टा। देखिए फ्रेंड, डिजाइन सिक्स रो का डिजाइन है, सिक्स रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। आपको रिपीट करते जाना है 1 to 6 रो। अब आपको यहाँ से 1 रो स्टार्ट करना है, देन आपको रिपीट करना है बार बार, वही 6 रोज आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए बार बार रिपीट करने के बाद आपको ऐसे ब्यूटीफुल डिजाइन बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।